दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको आजमगढ़ जिले के एक बड़े भूमाफिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। बड़ा भूमाफिया इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस भूमाफिया ने सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा कर रखा है और मुख्यमंत्री कार्यालय भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने में असमर्थ है। तो निश्चित रूप से यह भूमाफिया बहुत बड़ा भूमाफिया है। आजमगढ़ जिले के लालगंज तहसील में एक गांव है जिसका नाम है गुड़हरा। इस गांव के भीटा नंबर 652 ख पे पूर्ण रूप से कब्जा करके कई बिल्डिंगें बनाई गई हैं और इस बिल्डिंग की एक बाउंड्री 653 नंबर पे है। जमीन नंबर उसका जो है 653 है और यह एक पोखरे की जमीन है। मैंने जो शिकायत दर्ज कराया है या एक ही जो मैंने शिकायत दर्ज कराया था वो भीटा के कब्जे के संबंध में कराया था और सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 पे कराया था। 1076 नंबर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पब्लिक के लिए दिया गया है जिसपे पब्लिक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं। और जब मैंने 1076 पे भूमाफिया के संबंध में शिकायत दर्ज कराई तो मुझे जो शिकायत संख्या दी गई वह संख्या है 9181 94 0 87 27। और शिकायत के बाद शुरुआत में आंशिक कार्रवाई की गई जिसका मैंने फीडबैक दिया। आंशिक कार्रवाई में जो किया जाता है वो आप जानते होंगे, सिर्फ किसी एक अधिकारी के द्वारा शिकायत को दूसरे अधिकारी के पास भेज दिया जाता है कार्रवाई करने हेतु, इसको आंशिक कार्रवाई कहते हैं। तो आंशिक कार्रवाई से मैं असंतुष्ट था और हर कोई असंतुष्ट होता है और अब कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। पूर्ण कार्रवाई में जो रिपोर्ट लगाई गई है उसमें कहा जा रहा है कि कब्जा को पूर्व में हटवाया जा चुका है। अब यह जो रिपोर्ट है वह झूठी रिपोर्ट है क्योंकि कब्जा हटाया तो गया है पर 652 ख से नहीं हटाया गया है बल्कि पोखरा नंबर 653 से हटाया गया है। और जब मैंने फीडबैक देने के बाद कहा तो कहा गया कि अभी कुछ विशेष असुविधाओं के चलते फीडबैक नहीं लिया जा सकता और आप चाहें तो दूसरी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यह बात मैंने एक फोन रिसीव किया है अभी अभी जो सीएम हेल्पलाइन से आया था, उसमें कहा गया और यह भी बताया गया कि शिकायत की पूर्ण समाधान किया जा चुका है, अब इसमें कोई कार्रवाई शेष नहीं है, आप फिर से चाहें तो शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आइए सुनते हैं कॉल रिकॉर्डिंग जो अभी अभी सीएम हेल्पलाइन से आई थी। आपसे जानकारी लेनी है सर, आप जिन 27/8/2018 को राजेश मामला विभाग में सार्वजनिक भूमि से संबंधित शिकायत दर्ज कराई थी सीएम हेल्पलाइन में? हाँ मैडम, मैंने कराया था जी। आशा करूंगी समस्या का समाधान प्राप्त हो गया, क्या दिए गए समाधान से सहमत है आप? मैडम समाधान में क्या लिखा गया है आप बताएं जी। आपसे पहले से जानकारी दी जा रही है बोलेंगी तब सुन पाऊंगा, बोल नहीं रही है आप, बोले तो जैसे कि बताया गया था राजेश टीम द्वारा अवैध अतिक्रमण की पूर्ण में हटा दिया जा चुका है, ठीक है सर। आपकी समस्या का समाधान यह है कि मोदी को सादर अवगत कराया गया है कि राजेश टीम द्वारा अवैध अतिक्रमण के पूर्ण में ही हटवा जा चुका है। मैडम शिकायत संख्या बताएं, शिकायत संख्या क्या है जी? शिकायत संख्या सर 9181 94 0 87 27।
जी तो मैडम, इसमें जो रिपोर्ट लगाई गई है वो झूठी रिपोर्ट है, क्योंकि मैंने जो शिकायत किया था वो उस जमीन का नंबर है 652 ख, और जिस पे पूरी तरह से कब्जा किया गया है, एक इंच भी खाली नहीं है। और जिस जमीन से बाउंड्री गिराई गई है, वह बाउंड्री बनी थी 653 नंबर पे, उस जमीन का नंबर है 653, और वो पोखरे का नंबर है, और जो 652 ख है वो भीटा का है। तो भीटा पे बिल्डिंग खड़ी है और कोई कार्रवाई नहीं की गई है, झूठा रिपोर्ट दिया गया है, बिल्कुल झूठा, 100% झूठा। जी सर, परेशान हम माफी चाहूंगी, वो जो सुविधा आ रही है जिस कारण आपका फीडबैक दर्ज करने में असमर्थ है सर, आपको बताना चाहूंगी आपकी समस्या का पूर्ण रूप से निस्तारण कर दिया गया है। यदि आप सहमत नहीं है इस समस्या से तो सर अपनी शिकायत को पुनः से दर्ज करा सकते हैं। ठीक है सर, पुनः से दर्ज करा सकते हैं, मतलब इसमें जो आपने बताया इसमें अब फीडबैक नहीं लिया जाएगा? जी माफी चाहूंगी सर, असुविधा के कारण आपका फीडबैक दर्ज करने में असमर्थ है सर, आपकी समस्या का पूर्ण रूप से निस्तारण कर दिया गया है। यदि आप सहमत नहीं है सर तो आप अपनी शिकायत को पुनः से दर्ज करा सकते हैं। ठीक है सर, यूपी सी एम एल की सेवा लेने के लिए धन्यवाद, शुभ दिन। ओके मैडम।